इंसान के जीवन में दुख कैसे आते हैं और कैसे दूर होता है ये दुख। एक समय की बात है, एक व्यक्ति अपने जीवन से परेशान होकर मरने के लिए जंगल में चला गया। तभी अचानक उस व्यक्ति ने एक तेज क्रांति वाले इंसान को देखा। उसका चेहरा सूर्य के प्रकाश की तरह चमक रहा था। ये कोई और नहीं, महात्मा बुद्ध थे। तभी महात्मा बुद्ध की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ी और भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा कि हे मानव, तुम इस जंगल में कहाँ भटक रहे हो। तब उस इंसान ने अपनी सारी कहानी बताई और कहा कि वह कितना दुखी है। आखिर मेरे ही जीवन में इतना दुख क्यों है, क्यों इतनी समस्याएं हैं, क्यों इतनी परेशानियां हैं। मैं इन दुखों और परेशानियों से तंग आ चुका हूँ, इसलिए मैं मरने जा रहा हूँ। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि हे मानव, तुम मुझे बताओ कि आखिर ऐसा कौन सा दुख है जिसकी वजह से तुम जीना ही नहीं चाहते। तब उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध से कहा कि हे प्रभु, मैं अपने कितने दुखों के बारे में बताऊं? मेरा तो पूरा जीवन दुख से भरा पड़ा है। जो रिश्ते हैं, मैं तो उससे भी खुश नहीं हूँ, और मेरे शरीर में भी अनेकों बीमारियाँ लगी हुई हैं, एक के बाद एक दुख लगा ही रहता है। ना तो मैं अपने रिश्तों से खुश हूँ, ना ही अपने परिवार से, और ना ही अपने मन से, और ना ही अपनी ज़िंदगी से। अब तो ऐसा लगता है कि ऐसी ज़िंदगी से मैं मर ही जाऊँ तो अच्छा है, मेरे जीने का कोई मतलब ही नहीं है। तब महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि हे मानव, तुम जरा गहराई से सोचो और विचार करो कि तुम्हारा दुख का कारण क्या हो सकता है। तो उस व्यक्ति ने बहुत सोचा, पर उसे कुछ समझ नहीं आया कि उसके दुखों का कारण क्या है। तब महात्मा बुद्ध ने उसे बताया कि तुम्हारे दुखों का कारण तुम स्वयं ही हो। तो वह व्यक्ति हैरानी में पड़ गया कि मैं अपने दुखों का कारण स्वयं ही कैसे हो सकता हूँ। तब महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया कि हे मानव, तुम इस संसार में मोह माया के बंधन में फंस गए हो और अपने मन के मोह से तुम निकल नहीं पा रहे हो, और यही सारे तुम्हारे दुखों का कारण बन गया है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि हे प्रभु, मैं कुछ समझा नहीं कि मन का मोह क्या है और वे मेरे दुखों का कारण कैसे बन सकता है। तब महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति को दो कहानी सुनाई कि जिस प्रकार एक मकड़ी पूरा दिन जाल बिनती रहती है, फिर एक दिन ऐसा आता है कि वह खुद ही जाल में फंस जाती है, वह चाहकर भी जाल से बाहर नहीं निकल पाती। उसी प्रकार तुमने अपने जीवन में इतने सारे रिश्ते बनाए हैं, कितनों से मोह किया है, अपना सब कुछ माना है, और आज वही लोग तुम्हारे दुख का कारण बने हुए हैं। हमें दुख तभी होता है जब हमारे अपने ही हमें दुख पहुंचाते हैं और हमारे साथ कुछ गलत करते हैं। तब महात्मा बुद्ध ने उससे कहा कि अब मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति ने एक पेड़ को अपने दोनों हाथों से बहुत जोर से पकड़ रखा था और जोर शोर से चिल्ला रहा था कि कोई मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, इस पेड़ ने मुझे पकड़ लिया है, यह मुझे मार डालेगा। तभी रास्ते से एक शिष्य और एक गुरु जा रहे थे। तब शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि हे गुरुदेव, हमें इस इंसान की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि वह पेड़ से पूरी तरह से चिपक गया है और कोई उसकी मदद करने वाला भी नहीं है। तब उस गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि मेरे प्यारे शिष्य, इस आदमी की कोई मदद नहीं कर सकता। तो उस शिष्य को बहुत ही आश्चर्य हुआ। तब शिष्य ने कहा कि हे गुरुदेव, ऐसा क्या है कि कोई मदद नहीं कर सकता। तब गुरु ने शिष्य से कहा कि इस व्यक्ति ने तो खुद से ही पेड़ को पकड़ रखा है, ये तो एक बहुत बड़ी मूर्खता है कि जिस आदमी ने खुद किसी चीज़ को पकड़ रखा है तो उसे कौन बचा सकता है। तब महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, इसी प्रकार तुम भी तो हो, तुमने भी तो सारे दुखों को स्वयं ही पकड़ रखा है कि यह मेरा है, मेरे पास होना चाहिए, कहीं वह मुझसे दूर ना चला जाए, बस यही तो है तेरे सारे दुखों का कारण। जिस प्रकार तूने जीवन में नौ प्रकार के रिश्ते बनाए, उसका भरपूर आनंद लिया,
वही रिश्ते आज तुम्हें दुख पहुंचा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य की परवाह ना करे तो उसका शरीर खराब हो जाता है, अनेकों प्रकार के रोगों का उसके शरीर में वास हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य इस संसार में बहुत सी इच्छाएं रखने लगता है तो उसके मन में लोभ का वास हो जाता है। फिर चाहे उसे कितना भी धन मिल जाए, उसका मन कभी नहीं भरता और इसी लालच के कारण उसे संतुष्टि नहीं मिलती तो उसके मन में दुख का वास हो जाता है। अब उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि महात्मा बुद्ध सही कह रहे हैं, मैं अपने सारे दुखों का वजह मैं स्वयं ही तो हूँ, ये सारे के सारे दुख मेरे ही वजह से पैदा हुए हैं। तब उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से दूसरा प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपने मुझे मेरा दुख का कारण तो बता दिया, परंतु आप मुझे इसका उपाय बताने का भी कष्ट करें। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, अगर तुम अपने सारे दुखों से पार पाना चाहते हो तो तुम्हारे मन में जो मोह है उसका त्याग कर दो, उसमें प्रेम और संतोष भर दो, क्योंकि जिसके मन में संतोष का दीपक जल गया तो उसके मन के मोह का सभी वासनाएं, अहंकार आदि नष्ट हो जाता है। अब मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूँ कि यह बात तो कहने में आसान लगती है लेकिन करनी उतनी ही मुश्किल है। जो भी व्यक्ति महात्मा बुद्ध की यह संदेश समझ गए वह अपने सारे दुख से पार हो जाएंगे।